और आज जो है हम लोग दे रहे हैं अपने सीनियर को फेयरवेल पार्टी। एक बार जी सी खगड़िया में आके तो देखिए, इसका दीप भर हमेशा जलता रहे। धन्यवाद पार्टी देने के लिए, ये फेयरवेल पार्टी बहुत ही रोमांचक रहा। पार्टी तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन लास्ट में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा व्हाइट वाला रसगुल्ला पता नहीं कौन। कोई बात नहीं, तुम लोग हमेशा से दिल में रहोगे, इस रात को हम कभी भूल नहीं पाए। अरे नाच रे पतर की नागिन जो ईशान पे 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 ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, सो डीप। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप लोग का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है, और आज जो है हम लोग दे रहे हैं अपने सीनियर को फेयरवेल पार्टी, क्योंकि हम लोगों के सीनियर का ये लास्ट ईयर है। इधर हमारे सारे मित्र जो है एकदम मस्त मस्त कपड़ा पहन के तैयार हो गए हैं, इधर एक बहन जी भी है जो कि तैयार हो गई है। अभी चलेंगे कॉलेज ऑडिटोरियम में, सभी लोग हम लोगों का वेट कर रहे हैं, एंड आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में जरूर देखना। तो गाइस, यहाँ पे सभी लोग हो गए हैं तैयार, देख सकते हैं हमारे प्यारे ऋतिक जी, अंकित और उधर रमन। अभी चलते हैं, अभी हम लोग चलेंगे बाहर। तो फाइनली गाइस, हम लोग अभी कॉलेज पहुँच गए, हमारे साथ यहाँ पे चार दोस्त हैं, और इधर कॉलेज और ये रहा हॉस्टल। तो अभी हम लोग कॉलेज की तरफ एंट्री करेंगे, सभी देख लीजिए। और हमारे प्यारे रमन जी जो है एकदम नेता वाला लुक में, एकदम नेता वाला वाइब आ गया, जब से कुर्ता पजामा एकदम चढ़ा रही है मस्त। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग कॉलेज की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा आपको जीसी खगड़िया का क्रिकेट कप जो टूर्नामेंट हुआ था उसका बैनर लगा हुआ है। बाकी इधर काफ़ी धूप सी हो रखी है। आज बहुत दिनों के बाद हमारे कॉलेज में एक तो धाकड़ प्रोग्राम होने वाला है। एक साल पहले हुआ था जिसमें कि बहुत सारा थोड़ा बहुत धाकड़ हो गया था, धाकड़ ज्यादा ही धाकड़ हो गया था। चीजों को बुलाते हुए हम सभी दोस्त फिर से गले मिलते हुए एक बार फिर से ब्लॉग बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए फिर से ब्लॉग बना रहे हैं। और इस बार पिछले बार ब्लॉग का व्यवस्था नहीं था, ब्लॉग के साथ हम लोग आए। इस पिछले बार हम लोग जो है कल्चरल में भी ज्यादा बिजी थे, तो इस कारण से ब्लॉग ढंग से शूट नहीं हो पाया था। इस बार सबको लपेटेंगे। मैं यही चाहूंगा कि प्रोग्राम अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, हमारे जूनियर्स मतलब हमारे सीनियर्स और हम लोग मिलके ये पार्टी अच्छे करें। वेलकम गाइस, हमारा स्मार्ट 20 वेज से आप सबों का ये ऑडिटोरियम टूर करवाने आ रहा है। आइए, ये हमारा पहला डेस्क है पोडियम, यहाँ से एंकरिंग एक यहाँ है, फिर उसके पीछे चलते हैं। यहाँ हमारा है म्यूजिक सिस्टम का सेटअप, सारा एम्पलीफायर, माइक का सिस्टम और डेस्कटॉप जो कि यहीं से। फिर आगे चलते हुए यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे VFX प्ले होगी, और ये डिजिटल स्क्रीन है पूरा, बहुत महंगा है हमारे कॉलेज का। और ये एक टेबल, यहाँ पे सारे प्रेजेंटेशन रखे हुए होंगे, मेडल्स, सॉल्स और मोमेंटोज। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे जो है अब थोड़ी देर में हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे रोशन जी आ गए हैं, पूरा मायूस से खड़े हैं। जानते हैं कि आप मायूस क्यों खड़े हैं? मायूस खड़े हैं कि आज झाड़ू कहाँ गया, तो झाड़ू क्यों नहीं लगा रहा है?
तुम्हारा झाड़ू कहाँ है? सॉरी मेरा झाड़ू अंकित कल ले गया था, बाहर झाड़ू लगाना था इसलिए। सॉरी अंकित, तुम लेकर आता तो मैं लगा लेता, मैं ब्लॉग में नहीं बोलना चाहता था। आइए ये मजाक देने वाले मशीन से बात करते हैं। जब पिछले बार एनपीटीएल में मशीन लिए थे, ऐसा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कैसा आपका माइक्रो प्रोसेसर? चलिए यहाँ पे सौरभ जी बच गए, सौरभ जी से बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैच लगाया इन्होंने, इस बैच का क्या आप रखते हैं सर? क्या मतलब एज ए वॉलंटियर? जाइए वहाँ पे खड़ा ही जाइए, ठीक है। यहाँ पर रमन जी से मिलते हैं जो कि अपना बैच हटा लिए शर्म से। अमित सर आइए सर। बच गया अभी जाता तुम तो। आइए सर, अमित सर से मिलते हैं यहाँ पर, दौड़ के जल्दी से, जल्दी जल्दी चलिए चलिए दौड़ के आइए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी बहुत ही बिल्कुल उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले अमित सर हमारे। बिल्कुल झनाकेदार एंट्री देंगे अपना सर। अच्छा ठीक है, कभी तो बाहर निकलेंगे सर। इसी के साथ फिलहाल हम लोग पॉज देते हैं। इसी के साथ आप हरिबोल गुप्ता पे बने रहिए, कैमरामैन हरिबोल जी एंड माइक पे तो आपका रोशन राज। ठीक है चलिए बाय। घड़ी का इंतजार था ये कार्यक्रम, जो हम लोग पहुंच चुके हैं। आप एक बार जी सी खगड़िया में आके तो देखिए, इसका दीप हर हमेशा जलता रहेगा। और बात रही 2K19 जो बोले फर्स्ट बैच है, सच में ये फर्स्ट बैच है। और जो नहीं बोलते कि पहला प्यार है, तो पहला प्यार भुलाया नहीं जाएगा। हमारा सबसे प्यारा बैच 2019 और इसके बाद हमारे लिए सबसे प्यारा बैच 2019 बैच के लिए हम बोलना चाहेंगे, बंद कहां तक पाला जाए। वाहिद अली ने कहा है, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। महाराणा का वंशज है तू, फेंक जहां तक भाला जाए। मैं शाम का इंतजार क्यों ही करूं, मैं शाम का इंतजार क्यों ही करूं,
उसके कानों में लटकते चांद देखा है। और आदरणीय हमारे प्रिंसिपल सर सहित तमाम हमारे गुरुजनों एवं बैचमेट्स एवं प्यारे जूनियर सबों को इस्तकबाल और नमन करता हूँ। गलियन से गुजरे लू जब तू पायल चमकाते हो, गलियन से गुजरे लू जब तू पायल चनका के दुपट्टा के कोड़ा अपना दांती में दबा के दिखा के अपन अदा मिजाज गड़बड़ाओगे का, बोलो ना अलौली चौक पर मिलने आओगे का। तुझ बिन जाने तुझ पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझको कोई होश होश मुस्कान जो वो तेरी याद में हजारों लड़के नजर पर गए, तेरी आंखों में चार आई है। ये सिस्टम तब हैंग हुआ जब वो साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर झुमके लगाकर सामने से आती दिखी। फाइनली गाइस आज जो है फ्रेशर पार्टी हम लोग का समाप्त हो चुका है। सभी दोस्त यहाँ पे एकदम एंजॉय कर रहे हैं, एक बार हाथ उठा दीजिए आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबका जोश और जुनून बरकरार है। आइए अभी कुछ लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ है हमारी क्लास की ज्योति, जानते हैं आज की पार्टी के बारे में क्या कहना है। पार्टी बहुत अच्छा हुआ। तो आपने कितना एंजॉय किया पार्टी? बहुत बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किए, खाना भी अच्छा था और डांस भी किए, अच्छी थी, लेकिन टाइम बहुत कम था इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग के पास नेक्स्ट टाइम आके बहुत टाइम बचा हुआ, एंजॉय करते रहे। नहीं मेरा मन नहीं रह गया, मेरा मन नहीं पूरा हुआ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग हमारी सीनियर आकृति मैम जो कि पास आउट होने वाली है, हम लोगों ने इन्हीं को पार्टी दिया है। तो जानते हैं पार्टी के रिगार्डिंग मैम का क्या कहना है। धन्यवाद पार्टी देने के लिए, ये फेयरवेल पार्टी बहुत ही रोमांचक रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और हमें बहुत आनंद लगा यहाँ आने से। ये ट्रॉफी मिला है मुझे, ये ट्रॉफी भी मुझे आज के दिन मिला जाने टाइम, बहुत अच्छा लगा मुझे इस ट्रॉफी को पाने के बाद, धन्यवाद। तो गाइस समय बहुत कम है इसलिए मैम को जाना पड़ेगा। आइए इधर हम लोग कुछ और लोगों से जानते हैं। तो यहाँ हमारी क्लास की एक और खूबसूरत लड़की है, इनसे जानते हैं पार्टी के बारे में क्या कहना है। पार्टी तो बहुत अच्छा रहा लेकिन लास्ट में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा व्हाइट वाला रसगुल्ला पता नहीं कौन। कोई बात नहीं, पार्टी के यहाँ पर देख लीजिए ठुमका चल रहा है गाइस, इन लोग का अपना अलग ही चल रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हम लोग के लिए खास करके, और यहाँ पे पूरा मजा लूटे हैं हम लोग, और फिर लूटेंगे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, स्पीचलेस। तो यहाँ पे अभी जो है बहुत ही सर तो हमारे यहाँ पे सर लोग हैं पीयू सर, जो कि हमारे बहुत ही चाहते हमारे सीनियर सर पास आउट होने वाले। कुछ सर पार्टी के रिगार्डिंग हमारे ब्लॉग के पे क्या करना। सबसे पहले सर हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि हम लोगों की विदाई समारोह हो रही है, और विदाई जुदाई सब अपने स्तर पे सही है, लेकिन तुम लोग हमेशा से दिल में रहोगे, उम्र भर जिंदगी भर जब तक सांसें चलेगी इस रात को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, इस महफिल को कभी भूल नहीं पाएंगे। और यहाँ तक कि जितना भी मैल था, जितना भी जो भी कुछ था पहले का, वो सब बारिश में धुल दिया है, इसलिए हम लोगों का स्वच्छ वातावरण में खाना भी खाए और डांस भी कर रहे हैं और बहुत मज़े से जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। हमारे क्लास की कुछ और लड़कियाँ यहाँ पे, सलोनी है जो कि बहुत ही जूनियर है थी हमारे डिप्लोमा में, तो आप इस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। पार्टी जो था मेरे मन के अकॉर्डिंग, फोकस करो क्या कर रहे हैं।
पार्टी जो था मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, अच्छा हुआ लेकिन मेरे मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, होना चाहिए था नहीं हुआ। और क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं अगले आने वाले पार्टी से जो इसमें कमी पूरा हो जाए? बस अब हम लोग को जो फेयरवेल हम लोग का जूनियर देगा, चाहते हैं इससे अच्छा अरेंजमेंट हो। अभी कुछ और लोग बच गए हैं, हमारे क्लास के प्रेमलता जी हैं, इनसे बात करते हैं आज के पार्टी के विषय में, इनका क्या कहना है? सब अच्छा था। और यहाँ पे लोगों का हॉस्टल बंद हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के बारे में? पार्टी बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग बहुत एंजॉय किया आज के दिन। सर आपका आज के पार्टी के रिगार्डिंग क्या करना हमारे दर्शकों को? हाँ बहुत अच्छा लगा आज का डांस, मुझे मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था जो भी था, पर सर आपने इतना धासु परफॉर्मेंस दिया कि सभी लोग ऑडिटोरियम में झूम उठे। थैंक यू सो मच, और मैं बहुत एक्साइटेड था इसके लिए, और सबसे ज़्यादा मुझे ये कि नहीं बिल्कुल मिला कि मेरे HOD मैकेनिकल के आगे मेरे साथ मेरा तारीफ करेगा और मेरे साथ परफॉर्म करेगा, ये मेरे बहुत ही इंस्ट्रेटिंग था। हालांकि सर समय अभाव के कारण लिमिटेड प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि आपके HOD के साथ साथ हम लोग भी एकदम झूम उठे, खूब इंजॉय किया आपके डांस का। चल थैंक यू सो मच, आपने आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा परफॉर्मेंस को इतना लाइक किया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे थोड़ी ग्लिच आ गई है एंड सॉन्ग फिर से प्ले किया जा रहा है। उधर आप देख सकते हैं कैमरामैन, उधर देख सकते हैं वहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा है एंड सर यहाँ पे एक 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 स्टेप है यहाँ पे सर देने वाले हैं अभी यहाँ पे। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अटल नाला, मैं दुहरे बाला गंगा किनारे वाला, के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, गिन जैसन बजाबे लू ईसान, अरे नाच रे पतर की नागिन जैसन पे 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 पे। यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग किस हम लोग यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। तो हम लोग अभी अपने सारे प्रिय फैकल्टीज के पास आ चुका है, हम लोग बात करते हैं सर लोग से कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जैसे कि हम लोग आप ब्लॉग में देख सकते हैं, हम लोग सारे प्रिय सर के पास आ चुके हैं, हमारे सारे फैकल्टीज जो हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ झेल रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिए बैठे हुए हैं। तो इनसे हम लोग एक एक करके बात करते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रिय अभिषेक सर से, ये आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनका हम लोगों के प्रति क्या मैसेज है? तो सर नहीं देखो बहुत अच्छा इवेंट रहा और तुम लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन था, और सबसे मेन ये था कि मतलब बात हर कुछ अभी जो अभी तक शांति से हो गया, तुम भी लग रहा है बहुत डांस की भी इंजॉय की, पिछले बार का जो भी गलती था कमी सब दूर हो गया ना सर? नहीं नहीं सर बहुत अच्छा है, ऐसे ही होते रहेगा तो ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है। और तो जैसा कि देखा आपने अभिषेक सर ने जैसा कि आपने देखा अभिषेक सर ने इतना अच्छा हम लोगों के लिए बात बोला और काफ़ी हम लोगों को अप्रिशिएट किया है, तो इसी चीज़ को माने रखते हुए हम लोग आगे भी ऐसा ही कार्य करेंगे। अब चलते हैं हमारे एक और प्रिय सर अविरल सर के पास, इनका क्या कहना है हम लोगों प्रति एक बार बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बोलते हैं। सर का स्पीच सुनकर मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, तो सर से एक बार बात करते हैं। सर अविरल सर क्या आज कुछ बताइए सर, कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर, एक साड़ी सर कुछ सुना साड़ी सर कुछ सुना साड़ी सर अमित सर एक साड़ी एक साड़ी सर एक अच्छा सुना अच्छा क्या मोटिवेशन कह दीजिए? नहीं नहीं सर कोई मोटिवेशनल नहीं, कोई मोटिवेशनल कुछ नहीं सर, कोई भी साड़ी सर कोई भी शायरी यस सर जो आपको याद हो शायरी का मतलब जो मन करे ठीक बोले। लक्ष्य प्राप्ति व प्रसिद्धि से चेहरा यूं चमकता है जैसे निशा की चांदनी में चांद यूं चमकता है। क्या बात क्या बात सर, हम लोगों को कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं आज तुम लोग बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किए हो और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो एक सीनियर बनने में जो मैच्योरिटी आता है वो आ गया है, तो आज हमको बहुत अच्छा लगा थर्ड ईयर को देख करके और तुम अब सुपर सीनियर कहलाने के लायक हो चुके हैं। देखिए जैसा कि आपने सर ने हम लोगों का अप्रिशिएट किया है, हम लोगों को देखा जा रहा है कि जैसे सर हम लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों की इस इवेंट को करने के लिए 20 हाँ तो फिर मैं 20 से आता हूँ एक बार। तो जैसा कि आपने देखा सर लोगों ने हम लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट किया है और इन लोगों का कहना है कि जिस अब हम लोग सुपर सीनियर बनने के लायक बन चुके हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम लोग इतने अच्छे से बेहतरीन कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हम अपने एक और प्रेसर की तरफ चलते हैं जो कि रवि सर, काफ़ी शांत शांत बैठे रहते हैं सर परंतु तेज तलवार हैं वो, एक बार बात करते हैं सर से, एग्जाम के बाद गायब हो गए हम लोग से मिले नहीं सकते सर से, एक बार बात कर लेते। आज के फंक्शंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी कुछ हुआ और हम लोगों के लिए क्या मैसेज है सर आपका?
आज का फंक्शन बहुत बढ़िया गया। यस सर, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, पर मुझे लगता है कि तुम लोग को और पार्टिसिपेशन शो करना चाहिए था, क्योंकि मुझे अगर तुम फॉलो करते हो, कुछ भी सुनते हो, तो मैंने जो बोला वो बहुत क्लियरली बोल दिया था बहुत पहले ही, पर वो चीज़ आज दिखा नहीं, तो ठीक है, तुम लोग का सही था। तो मेरे जो मार्क है उस पर तो आज तुम लोग नहीं थे, बट या फंक्शन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किए। तो देखा सर ने कुछ थोड़ा सा कमी बताया हम लोगों को, पर फिर भी हम लोग सर के उम्मीद पर खड़ा उतरे हैं और आगे हम लोग बात करते हैं। हमारे इधर फैकल्टी से चलते हैं, अमन सर से भी कम मिल लेते हैं। नहीं, मिलना पड़ेगा सर, सर मिलना पड़ेगा सर, दो मिनट भी सर मिल लीजिए सर, हम लोग अमन सर से मिलेंगे, एक बार अमन सर से मिलेंगे सर। बोलो क्या बोलना है सर, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, तुम लोग का जितना भी अरेंजमेंट किया था बहुत अच्छा किया था, और ऐसे करते रहो शांतिपूर्वक तो ठीक रहेगा, हम लोग से जहाँ तक होगा कोऑपरेट करते रहेंगे हर चीज़। तो इसी तरह शांति बनाने के जो भी कोई ब्लॉग देख रहे हैं चुपचाप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑनर हैं, इनका थोड़ा हम लोग को स्पॉन्सर करना पड़ता है, आप समझ नहीं रहे हैं, वरना ये काट देंगे वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर के पास अपने, एक बार इनसे ही बात करते हैं, ये हम लोग प्रति क्या कहना चाहते हैं। अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, सब व्यवस्था, लड़के लोग अच्छे से परफॉर्मेंस किए, सब बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा इन्होंने भी अप्रिशिएट किया, यानी कि इस तरह से करने पे सारे टीचर्स खुश हैं हम लोगों से, जो कि हम लोगों की काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग एक बार चलेंगे सर के पास, सर अपना मुंह घुमा लिए हम लोग की तरफ से, शायद ये बचना चाह रहे हैं, पर फिर भी हम लोग इनको पकड़ के वो पूछेंगे सर कि आप क्या कहना चाहते हैं सर। हम लोग 20 बैच की तरफ से 19 बैच को एक बहुत ही अच्छा यादगार फेयरवेल दिया गया, ठीक है। मेरे ख्याल से जो 19 बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इसको सालों तक याद रखेंगे, इस तरह का फेयरवेल 20 बैच की तरफ से दिया गया है, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। बहुत बहुत थैंक यू हमारे सारे फैकल्टीज़ को, मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने हरिबोल गुप्ता के ब्लॉग को थोड़ा फेमस करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब हम लोग एक और हमारे टीचर जा रहे हैं, हमारे प्रिय फैकल्टी अमित सर, धक्का नहीं देगा आराम से सर। जैसा कि आप लोग कहाँ गए कैमरामैन, हाँ जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारे बीच में हमारे फैकल्टीज, हमारे प्रिय फैकल्टीज, हमारे अमित सर आए हैं, तो इनसे हम लोग पूछना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं और इनका हम लोगों के प्रति क्या मैसेज है। नहीं, बहुत अच्छा इवेंट रहा, मैनेजमेंट बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा किया गया, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, खाना भी अच्छा था, और सारे बच्चों ने मिल करके आपस में कोऑर्डिनेशन करके बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू सर। हम लोगों के लिए कोई मैसेज, आपने जो भी यहाँ सीखा है भविष्य में जब भी आप आगे जाएं तो समाज के हित में और स्टूडेंट्स के हित में, अपने कलीग्स के हित में कुछ ना कुछ अच्छा करें। थैंक यू। आइए हमारे बॉक्सर सर से मिलते एक बार। हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर, बस लेट्स रॉक, जय श्री राम। और आप लोग खूब पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, हम लोग का साथ हमेशा साथ है। बिल्कुल सर का साथ, हम लोग साथ है। तुम ब्लॉग बनाओ, नहीं नहीं मन लगा के ब्लॉग ही बनाओ, लेकिन मन लगा के करो। आज का रात बहुत हसीन है और ऐसा ही रहे हमेशा, बहुत अच्छा आज लग रहा है। तो जैसा कि आप लोग देखा सर को काफी बेहतर लगा, हमारे सारे फैकल्टी को चला, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, दिस द सो डीप, सो डीप सर। क्या कहना चाहिएगा सर, क्या कहना चाहिएगा सर? यहाँ इस फेयरवेल पार्टी में हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इतना एंजॉय लाइफ में कभी नहीं किए हैं, ये पल हमारे जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत पल होगा, इसे हम चाह के भी नहीं भुला सकते हैं। और हमारे जो 2K20 बैच के जूनियर्स है, हम उसको दिल में इतना कहाँ रखे हैं, वो खुद हम निकाल नहीं पाएंगे, जो प्यार है इस प्यार को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का, इतना सपोर्ट, इतना बढ़िया व्यवस्था, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो इतना सुंदर व्यवस्था होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रहा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रिय सर, अभी सर सोना का चैन पहन कर आए थे, पर सर ने छुपा दिया हम लोगों के डर से। क्या कहना चाहेंगे सर आज? आज की रात हमारे और हमारे जूनियर के नाम, आज की रात के बारे में पूछे हमारे रोशन जी ने, आज की रात
इतना मनोरंजक रहा, इतना शानदार रहा, इतना जानदार रहा, क्या ही बयां करे, शब्द कम पड़ जाएगी लेकिन भावनाएं कम नहीं होगी मेरे मित्र। हमारे जूनियरों ने हमारे फेयरवेल पार्टी के लिए जी जान एक लगा दिए और उसका ये योगदान है कि आज इतना शानदार पार्टी जी इसी खगड़िया में हो पा रहा है, जिसके लिए हम अपने 2K20 बैच को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे और चाहेंगे ये वीडियो जो भी देखे उन्हें सीनियर और जूनियर के बीच का मतलब पता चले। हमारे जूनियर ने हमें जैसे रिस्पेक्ट दिया, आज उसका परिणाम है एक भाईचारा का भावना बना है। ये भाईचारा का भावना है पूरे राष्ट्र में फैले, हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने। जय हिंद, जय जी श्री खगड़िया। हम लोग चलते हैं हमारे एक और सीनियर सर के पास जो अभी नचवा रहे थे। सर आप क्या कहना चाहिए आज के शाम के बारे में? सबसे पहले थैंक यू 2K20 बैच को, आप लोग ने बहुत अच्छे से अरेंज किए, प्रोग्राम करवाए। इसके लिए सबसे पहले सर पूरे 20 बैच को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हम लोग मतलब वही थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो किसी कारण से हमारे प्रधानाध्यापक महोदय यानी कि हमारे बहुत बहुत मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ दिस कॉलेज यानी कि हमारे मणिभूषण सर जो कि हमारे प्रिंसिपल हैं वो हम लोग से बात नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, परंतु एक बार आप लोगों को मैं उनसे मिलवाऊंगा जरूर। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को फिलहाल के लिए विराम देते हुए आपका अपना रोशनराज और कैमरे के पीछे आपका हरिबोल गुप्ता, आपका सभी का हरिबोल गुप्ता ब्लॉग में स्वागत करता है और आप लोग सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब किया और ऐसे हमेशा सपोर्ट बनाए रखे। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और आप लोग भी हमेशा अपना साथ हम लोग साथ बनाए रखे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ताली वाली गाना बज रहा है इसके लिए थैंक यू।